दर्द का रिश्ता होता है। बात दरअसल ये है कालरा साहब कि हमारी पूजनीय भाभी जी के पैर में मोच आने के बहाने से वैभव जी को घर पर बुलाया गया। मुझे पता नहीं श्रावणी, लेकिन कह रहे थे कि बाकीलाल बहुत बड़ा प्लान बनाने वाला है, कुछ साजिश रचने वाला है और आज रात को वो उसको अंजाम देगा। तुम बताओ किस लिए फोन किया तुमने? आप जहां भी हैं सावधान रहिए। अब आपने धमकी वैभव को दी है या अमरनाथ को, ये तो आपको ही मालूम है अपने हिसाब से। अमरनाथ मेरी धमकियों का जवाब देगा? दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए कालरा साहब। और अमरनाथ आपका आज से दुश्मन नहीं है, जमाने से। हाँ, अपने हिसाब से। और आपके ऊपर तो न जाने कब से खार का है बेटा है, और एक एक चीज का आपसे बदला लेना चाहता है। किस बात का बदला? कितने भोले हैं कालरा साहब, आप शायद भूल गए, लेकिन अमरनाथ नहीं भूला है, और ना ही मैं अमरनाथ की सोच को। याद कीजिए, याद कीजिए वो दिन जब आप उसके ऑफिस में आए थे, आपने उसे उसका ऑफिस नीलाम करने के लिए मजबूर कर दिया था, उसे बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था, किया था कि नहीं, याद है ना आपको? और ये बीज आज नहीं बोया आपने, जमाने पहले बोए थे अपने हिसाब से। और उस वक्त मैंने अपने कानों से सुना था, अमरनाथ ने कहा था कि एक दिन मैं कालरा को खून के आंसू रुलाऊंगा। और पर एक ही तो बेटी है उसकी, क्या कर लेगा? अब क्या बताऊं कालरा साहब कि मैंने इन फूटे हुए कानों से क्या क्या सुना है अपने हिसाब से। तुमसे कितनी बार कहा है वैभव कि सुरभि से बात मत करो, लेकिन तुमने आज फिर उससे बात की। ये क्या बकवास कर रही हो तुम शिखा? यानी तुम रहोगे इस घर में, लेकिन रिश्ता रखोगे उस घर वालों के साथ। तुम्हें क्या लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा? मैंने आज खुद सुना है तुम्हें उससे बात करते हुए। हाँ हाँ, मैंने बात की है और मैं बात करूंगा। मैं कोई तुम्हारा गुलाम नहीं हूं, समझी? ये कह के तुम मुझे धोखे में डाल रहे हो। अगर तुम्हें अपने घर वालों से और सुरभि से इतना ही लगाव था तो तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा तुम वफादार होगे, लेकिन तुम मुझे धोखा दे रहे हो। शिखा, मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, और प्लीज मुझे इस कमरे में अकेला छोड़ दो। क्यों अकेला छोड़ दूं? क्या फिर उस सुरभि का फोन आने वाला है? क्या लगा रखा है तुमने आखिर? मैंने तुमसे कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो इस कमरे में। जाओ। अरे 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 कालरा साहब, माखेलाल जी आप समझते नहीं हैं भाई, इसे वैभव को सही करने का यही एक सही तरीका है। अभी आएगी, अरे अभी आएगी शिखा बेटिया, और वो आपको सब बताएगी। उसके बाद आप फैसला लेना कि आपको इस वैभव के साथ में क्या करना है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम चाहती क्या हो आखिर। मैं ये समझना चाहती हूँ कि तुम इस घर के लायक हो या नहीं। तुम्हें फैसला करना होगा वैभव, कि तुम्हें इस घर से रिश्ता रखना है या उस घर से। मैंने तुमसे पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ कि मैं अपने माँ बाप से रिश्ता नहीं तोड़ सकता। तो फिर इसी वक्त निकल जाओ इस घर से। वाह शिखा वाह, अब यही सुनना बाकी रह गया, और ये सुनने के बाद मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुकूंगा और कभी वापस भी नहीं आऊंगा मैं। ठीक है जाओ, निकल जाओ यहां से, जाओ।
वैभव। Hey! कौन है वहाँ पे? Hey! Hey! वैभव। शिखा। 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 शिखा बेटे। शिखा बेटे क्या हुआ? शिखा को। बंदू शिखा बेटे। अरे 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 अरे। अरे करनी अपने दिल की बात पूरी। अरे मार दी गोली। अरे कालरा साहब आपकी बेटी को गोली मार दी। शिखा मैं डॉक्टर को इन्फॉर्म करता हूँ। जल्दी जल्दी। शिखा शिखा क्या किया तुमने? मैंने कुछ शिखा जय उत्तराखंड। भैजी सुनील कहाँ हो तुम? भैजी कहीं जा रहा था इस वक्त। रास्ते में? रास्ते में तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो बांकेलाल के साथ होना चाहिए ना। अरे नहीं नहीं भैजी, बांकेलाल के साथ क्या रहना था? आप ही ने तो बांकेलाल के साथ भेजा था। अब बांकेलाल के आदेश बजा रहा हूँ, जो वो कहता है वो करता हूँ। हाँ हाँ बात हुई थी मेरी बांकेलाल से। अच्छा सुनील ये बताओ, ये बांकेलाल तुमसे क्या काम करवा रहा है? भैजी अब तक तो सब पर नजर रखना था और आकर बांकेलाल को बताना था। अच्छा सुनील, बांकेलाल ने इसके अलावा तुम्हें किसी और काम के लिए नहीं कहा क्या? आपको बांकेलाल ने नहीं बताया? सुनील अगर बांकेलाल ने मुझे बताया होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? आप तो यहाँ है नहीं भैजी, और एक जरूरी काम था जो जल्दबाजी में उसको अंजाम देना था, तो बांकेलाल ने मुझे वो काम बताया और मैंने वो कर दिया। बड़ा काम था भैजी, बस आपकी मेहरबानी से हुआ। लेकिन सुनील ये तो बताओ कि काम क्या था? भैजी आप बांकेलाल से ही फोन करके पूछ लीजिए, वो तो आपसे कुछ छुपाएगा नहीं। उसने मुझे बोला था कि कोई भी बात किसी को बताना नहीं है। सरवण भैजी आप समझ सकते हैं, ये शहर का मामला है और फोन पर ये बात बताना ठीक नहीं है। भैजी अभी मुझे यहाँ इसी वक्त यहाँ से कहीं दूर निकलना है, मैं कल आपसे बात करता हूँ, ठीक है? जय उत्तराखंड भैजी। सुनील कितनी हिम्मत, मुझसे बात छुपा गया। शिखा शिखा बेटा होश में रहो बेटा, कुछ नहीं होगा बेटा। शिखा आंखें खोलो, शिखा बेटी आंखें खोलो बेटा। शिखा कहाँ? हाँ डॉक्टर साहब मेरी बेटी, इसके बारे में मैंने आपसे बात की थी, इसे गोली लगी, इसे बचा लीजिए डॉक्टर साहब। बेटी इमरजेंसी, वो ऑपरेशन की तैयारी हो गई? ऑपरेशन की सारी तैयारी हो गई डॉक्टर। इसका ब्लड ग्रुप क्या है? डॉक्टर साहब मैंने आपसे बताया था ओ पॉजिटिव। ब्लड का अरेंजमेंट हो रहा है डॉक्टर, कई ब्लड बैंकों में फ़ोन किया है। ओके ये पुलिस केस है, आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ डॉक्टर साहब मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, प्लीज़ आप इसे बचा लीजिए। ऑपरेशन धड़ल्ले कर दो जल्दी। दरवाजा खोलो प्लीज। मिस्टर कालरा। जी सिस्टर। आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया? नहीं। तुरंत एडमिशन फॉर्म भरिए और पैसे जमा कीजिए। ऐसे जमा हो जाएंगे सिस्टर? शिखा कैसी वो बताइए। वो तो आपको डॉक्टर ही बता सकते हैं, फिलहाल गोली निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। कितना टाइम लगेगा ऑपरेशन में? कुछ नहीं कह सकते। दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे शिखा को देखना है। दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो।
दरवाजा खोलो प्लीज। जी बाकेला जी। अरे कारा साहब, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कैसी है शिखा बेटी, कैसी है? ऑपरेशन चल रहा है, डॉक्टर गोली निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि शिखा अभी तक जिंदा है, ये तो मेरे लिए खतरे की बात हो सकती है। अपने हिसाब से कितना वक्त लगेगा पता नहीं। आप घबराइएगा मत कारा साहब, हिम्मत से काम लीजिएगा, मैं आपके साथ हूँ। जी बाकेला जी। और मैंने पुलिस को फोन कर दिया था, पुलिस किसी भी वक्त आ जाएगी। हाँ बाकेला जी, इस वैभव को तो पुलिस के हवाले कीजिए, इसने मेरी बेटी पर गोली चलाई। इसे तो वो सबक सिखाऊंगा कि पूरा खानदान याद रखेगा। मैंने उसे कमरे में बंद कर रखा है, बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे धोखेबाज गद्दार आदमी के साथ कोई भी मुरव्वत मत कीजिएगा अपने हिसाब से। हाँ बाकेला जी, आप मुरव्वत की बात कर रहे हैं? उसने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है। नहीं बस बस बस, पुलिस भी किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ कि पुलिस न जाने यहाँ पर आकर क्या क्या सवाल करेगी और आपसे पूछेगी कि आपने वैभव को अपने घर में क्यों रखा था अपने हिसाब से। पता नहीं कितने सारे सवाल उठ खड़े होंगे, क्या रिश्ता था आपका, क्यों रखा था आपने। ठीक है क्या, लेकिन इस सवाल का जवाब होना क्या चाहिए। मैं तो एक ही बात जानता हूँ कालरा साहब, कि आप सारा का सारा ठिकरा जो है ना, वो वैभव के सर पे फोड़ दीजिए। आप पुलिस से कहिएगा कि मैं अपनी बेटी के लिए मजबूर था, लेकिन आज मुझे पता चला है कि वो मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था। हाँ? मैं तो कहता हूँ कालरा साहब, ये जो अमरनाथ है ना, ये अमरनाथ बहुत पहुंच वाला आदमी है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ गोली का इल्जाम मत लगाइएगा, कुछ और ज्यादा इल्जाम लगाइएगा, वरना वो अपने बेटे को एक एक रात में छुड़ा लेगा। ठीक कह रहे हैं आप बाकेलाल जी। उसके ऊपर ये इल्जाम लगाइएगा कि आपकी बेटी का इस्तेमाल कर रहा था, आपकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, आपकी बेटी का गलत नाजायज फायदा उठा रहा था। जितने ज्यादा इल्जाम होंगे, जितने इल्जामों की फहरिस्त लंबी होगी, उसकी सजा भी उतनी ही लंबी होगी। ठीक है बाकेला जी, आप जैसा करें वैसा ही होगा। आप सिर्फ और सिर्फ शिखा बिटिया का ख्याल रखिए, अब पुलिस तो किसी भी वक्त यहाँ आ जाएगी और फिर वैभव को यहाँ से हथकड़ी डालकर ले जाएगी अपने हिसाब से। ठीक। अमरनाथ, छुड़ा सकता है तो छुड़ा के दिखा। जब बम फूटेगा ना, तब पता चलेगा अपने हिसाब से। इसे काल रहा इंस्पेक्टर साहब, आइए 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 आइए। इसे काल रहा नहीं नहीं, मैं बाकेला। कहाँ हुई घटना है? ये ऊपर वाले कमरे में। वो खोखार आदमी उस लड़की के साथ जबरदस्ती रह रहा था, अब लड़की के साथ जबरदस्ती की, लड़की ने मना किया तो उसने उसको गोली मार दी, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैंने उसे बाहर से बंद कर दिया है। आइए आइए आइए, गिरफ्तार कर लीजिए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए 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 ना, आइए 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 आइए। ये खिड़की से गोली चली थी।
जी इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहे हो तुम। दर्द का रिश्ता होता है। डॉक्टर साहब। यस मिस्टर कलरा। शिखा कैसी डॉक्टर साहब? हमने गोली निकाल दी है लेकिन उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी है। हमने उन्हें वेंटिलेटर पर रखा हुआ है। वेंटिलेटर पे? डॉक्टर साहब बच तो जाएगी ना? देखिए अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि उनकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है, इसलिए कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए, प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरी इकलौती बेटी है। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर कालरा, जो सच था मैंने आपको बता दिया, आप टेंशन मत लीजिए, रिलैक्स। मिस्टर कालरा। यस सिस्टर। आपने पैसे जमा किए? पैसे जमा हो जाएंगे सिस्टर। ओके मिस्टर कालरा। डॉक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, कालरा साहब यहाँ बैठे थे और जहाँ आप खड़े हैं मैं वहाँ बैठा था। हम लोग बातें कर रहे थे, अचानक हमने गोली चलने की आवाज सुनी, हम भागे जाकर अंदर देखा कि शिखा बिटिया तड़प रही थी और वैभव के हाथ में पिस्तौल था, इसने गोली मार दी। अब पता नहीं शिखा बिटिया अब तक जिंदा है या मर गई। ये अच्छा किया आपने, वैभव को कमरे में बंद कर दिया। इंस्पेक्टर मैंने शिखा को नहीं मारा है, मेरा यकीन कीजिए मैंने शिखा को गोली नहीं मारी है। झूठ बोल रहे इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरी बेटी को गोली मारी। अब इसके चिल्लाने से सच झूठ थोड़ी हो जाएगा, गोली इसी ने मारी है अपने हिसाब से। इंस्पेक्टर साहब इसी ने मेरी बेटी को गोली मारी, मैंने इसे प्यार दिया इज्जत दिया अपने घर में रखा और इसने मेरी बेटी को गोली मारी। अरे अरे कालरा साहब कांत, क्या गजब कर रहे हो? इसके गुनाह की सजा इसे कानून देगा मिस्टर कालरा, आप नहीं। तुमने उसे गोली क्यों मारी? मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब मैंने शिखा को गोली नहीं मारी है। फिर गोली तो खिड़की की ओर से चली थी। लो सुन लिया इंस्पेक्टर साहब, अरे रिवाल्वर इसके हाथ में और बोलता है कि गोली खिड़की से चली थी, कुछ भी बोलता है ना। मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब मैंने शिखा पर गोली नहीं चलाई थी, उस वक्त खिड़की से रिवाल्वर मेरे ऊपर फेंका गया था और गलती से मैंने रिवाल्वर थाम ली। आप मेरा यकीन कीजिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मैंने गोली नहीं चलाई थी इंस्पेक्टर साहब। सुना आपने कालरा साहब, ये तो सीधा सीधा इंस्पेक्टर साहब को यानी पुलिस को धोखा दे रहा है। ये झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी को गोली इसी ने मारी है। ये झूठ है, आप लोग तो बाहर में आए थे, गोली खिड़की की ओर से चली थी, वहां पे कोई था इंस्पेक्टर साहब जिसने शिखा को गोली मारी। गोली खिड़की चली थी मतलब खिड़की के पास कोई ना कोई सबूत तो होगा। चलो ठीक है बताइए। इंस्पेक्टर साहब आप इसकी बातों में मत आइए, ये आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आप खामोश रहिए, हमें हमारा काम करने दीजिए। हाँ क्या बोल रहे थे इंस्पेक्टर साहब? मैं यहाँ खड़ा था और शिखा यहाँ खड़ी थी और कमरे में अंधेरा था। अंधेरा? अंधेरा क्यों इंस्पेक्टर साहब? मैं अंधेरे में ही बैठा था और तभी शिखा अंदर आई और मेरी उससे बहस हो गई। मैंने उससे बोला कि मुझे अकेला छोड़ दो, तभी इंस्पेक्टर साहब इस खिड़की से
किसी आदमी ने गोली चलाई। अब मेरा यकीन मानिए, इस खिड़की से गोली चली। इससे पहले मैं उस तक पहुंचता, उसने रिवॉल्वर मेरे ऊपर फेंक दी और गलती से मैंने थाम ली इंस्पेक्टर साहब। यकीन मानिए, मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, यह आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। आप चुप रहिए। देखिए, हम छानबीन कर रहे हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए। जब तक आपको पूछा नहीं जाता, आप खामोश रहिए। तो क्या बता रहे थे आप? ये खिड़की से गोली चली है जी इंस्पेक्टर साहब। ये खिड़की से गोली चली थी जी इंस्पेक्टर साहब। झूठ बोल रहे हो तुम? मिस्टर वैभव, फिलहाल कत्ल के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। दर्द का रिश्ता होता है। यह खिड़की से गोली चली थी जी इंस्पेक्टर साहब। झूठ बोल रहे हो तुम? ये खिड़की जमीन से 12 फीट ऊपर है। फर्स्ट फ्लोर है ना जी इंस्पेक्टर साहब? फर्स्ट फ्लोर। हर ऊपर से नीचे आने के लिए कोई रास्ता भी नहीं, ना तो खिड़की के पास किसी के पैरों के निशान है, ना ही कोई सबूत है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा यकीन कीजिए, गोली वहीं से चली थी। शट अप। हवलदार, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुला और खिड़की के पास से पूरे प्रिंट्स ले लो। मिस्टर वैभव, फिलहाल कत्ल के जुर्म में मैं आपको गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। चलो इनको। कालरा साहब, वो शिखा बेटी? अरे हाँ बाकेलाल जी, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं निकलता हूं। क्या बात है शरावनी, पैरों में दर्द है? नहीं, दर्द तो नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है। मैं जानता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। वैभव आकर गया है ना, उसी के बारे में तुम सोच रहे हो। ये सोचना बंद करो तुम शरावनी। किसी की नींद हराम करता हूँ? पुलिस? हाँ पुलिस। अरे वैभव ने शिका को गोली मार दी है। बाकेलाल ने बताया कि वैभव ने शिका को गोली मार दी। बहुत बड़ी बात हो चुकी है भैया। क्या हुआ भैया? वैभव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।